आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर डिमांड एनालिसिस उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड हम लोग करने वाले हैं। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड मतलब क्या है, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड पे असर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हम इस चैप्टर में पहले से देखते आ रहे हैं वो क्या है, प्राइस। सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस है जिसके वजह से डिमांड आपका काफ़ी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका यही है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। प्राइस जो है ये डिमांड को बहुत ज़्यादा चेंज करती है। प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम रहेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यही बताता है, प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड प्रिफर परचेज प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइसेस। मतलब कंज्यूमर की साइकोलॉजी कैसी है, कंज्यूमर कैसे सोचता है, ऑफकोर्स कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है कि जब प्राइस कम होगी तो वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा और प्राइस ज़्यादा होगी तो वो कम क्वांटिटी परचेज करने वाला है, ठीक है। द सिंपल सा पॉइंट वहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है, हायर द प्राइजेस लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइजेस हायर द क्वांटिटी डिमांड, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। एंड सेकेंड इज द इनकम। अब सेकेंड पॉइंट में इनकम बोला गया है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, इनकम कम होगी तो ऑफकोर्स आपकी डिमांड भी कम होगी। इसका मतलब सेकंड जो फैक्टर इनकम है उसके वजह से भी हमारी डिमांड पे असर होता है। मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, इसी वजह से हमारी डिमांड भी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। देखिए, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज ऑल्सो अफेक्ट परचेजिंग पावर विच इज टर्न इन टू इन्फ्लुएंसेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सा वहां पे लॉजिक है कि आपकी जो इनकम है वो डिमांड पे असर करती है, ठीक है। इफ राइज इन इनकम डिमांड इज ऑल्सो राइजेस, एंड डिक्रीज इन इनकम या फिर फॉल इन इनकम डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। सो दैट इज दी मतलब कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी, ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, बहुत सारे लोगों का रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी चले गया था, तो ऐसे कंडीशन में उनकी डिमांड भी धीरे धीरे कम हो गई होगी, ऑटोमेटिकली कम होना ही है ऑफकोर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने बेस्ट एग्जाम्पल देखा था टी और कॉफ़ी का। तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस बदलती है तो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे चाय की कीमत अगर बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे एक की प्राइस दूसरे के डिमांड पे असर कर रहा है, राइट। तो ये सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के बदले हम यूज़ कर सकते हैं और अगर एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड पे उसका असर होगा, राइट। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। इसका मतलब इफ़ द कंज्यूमर इज़ अवेलेबल टू बाय एट अ लोअर प्राइस, मतलब कंज्यूमर क्या करना चाहता है, वो लोअर प्राइजेज में चीज़ों को खरीदना चाहता है, वो भी चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। तो वहाँ पे आपको बुक में शुगर और जैगरी का एग्जांपल दिया है कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, जैगरी ज़्यादा खरीदेंगे, राइट। गुड़ और शक्कर वहाँ पे सिंपल सा है क्योंकि दोनों में मिठास काफ़ी होती है, ठीक है। तो दोनों मीठे प्रोडक्ट हैं और दोनों हम एक जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल देके रखा। और हम टी कॉफ़ी का तो एग्जांपल देखते ही हैं एग्जैक्टली, तो टी कॉफ़ी का एग्जांपल भी आपके सामने है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हमने देखा था कार और फ्यूल, अगर आपके पास कार है तो फ्यूल, मतलब कार है और फ्यूल नहीं तो कार किसी काम की नहीं, फ्यूल है और कार नहीं तो भी किसी काम का नहीं है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो उसका असर दूसरे के डिमांड पर पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे एग्जैक्टली कि यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो एक दूसरे के डिमांड, मतलब प्राइस का डिमांड पे असर हो जाता है, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल की बैटरी की प्राइसेस अगर बढ़ जाती है, जो मोबाइल में बैटरी लगी है अगर उसकी प्राइसेस बढ़ती है तो क्या होगा, मोबाइल की प्राइसेस और उसकी डिमांड पे असर हो जाएगा क्योंकि उसकी प्राइसेस भी बढ़ जाएगी, तो डिमांड लोग कम करेंगे फिर, ठीक है।
चले तो आपको बुक में क्या लिखा है एग्जैक्टली वो देखते हैं. चार्जिंग द प्राइस ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कम्योडिटी विल अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर कम्योडिटी. ठीक है, जैसे कार और फ्यूल का एग्जांपल वहां पे दिया है कि अगर इसमें से किसी की प्राइस बढ़ी तो सीधा सीधा उसके डिमांड पे असर होगा ही होगा. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमने अभी फोर्थ पॉइंट देख लिया है. फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट का जैसा नेचर होगा उसका प्रोडक्ट का नेचर भी डिमांड पे असर डालता है. ठीक है, इफ अ कम्युनिटी